नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है युद्ध तक में, जहां हम बात करते हैं युद्ध तक की। आज हम बात करेंगे यहां पर ONGC कंपनी के बारे में। यहां पर मैं ना तो जॉब रिक्रूटमेंट के बारे में बात कर रहा हूं, बट मैं आपको बात कर रहा हूं यहां पर, आप रूबरू हो जाएं ONGC कंपनी है क्या, आखिर क्यों करें अप्लाई आप ONGC में, और क्या फैसिलिटीज़ देता है ONGC। तो सबसे पहले जानेंगे, हमारे साथ हैं अभिषेक जखनौरे जी, जो बताएंगे आपको कि सबसे पहले कि ONGC क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपको बता दूं ONGC के कंपनी है महारत्न कंपनी, जिसमें ऑयल एंड नेचुरल गैस के जो बारे में, मतलब जितनी जो आपने सुना है, जितने भी आपने ऑयल पेट्रोल केमिकल सब सुना है, ये सारे वहीं से प्रोड्यूस होते हैं, जिनका प्लांट समुद्र में होता है, सी में बीचों बीच, और वहाँ से ये लोग क्रूड ऑयल को लाते हैं, उसको फिर प्रोसेस करते हैं, जिसमें पेट्रोल गैस सारी चीज़ें उसमें से क्रूड ऑयल से निकालते हैं। उसके बाद अब सब स्टेशन और जितने भी क्या कह सकते हैं आप इसको, स्टोरेज जो डिपार्टमेंट है, उन सबको सप्लाई करते हैं, हॉट एंड स्पेयर में गैसेस को स्टोर करते हैं, और जितना डीजल पेट्रोल उसको डिपोर्ट में सप्लाई करके उनको स्टोर करते हैं। उसके बाद जो छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर रहते हैं उनको सप्लाई किया जाता है, उसके बाद जो आपके घरों तक पहुँचती है। तो दोस्तों ये था कि ONGC क्या है और उसमें क्या काम होता है। अब हम जानते हैं यहाँ पर कि ONGC फैसिलिटीज़ क्या देता है। फैसिलिटीज़ की बात करें तो हम सबसे पहले रूम अलाउंसेस की बात करेंगे, जो रूम दिए जाते हैं, जो कि कैसे रहते हैं, कैसा क्या रहता है उसका। इसके हाउस अमेनिटीज़ बहुत अच्छी हैं ONGC में, बहुत सारे जो क्वार्टर्स मिलते हैं, अगर आप एम्प्लॉय हो ONGC के, तो आप में, मतलब आपने, आपको रैंक के वजह से, जैसे आपकी रैंक है जूनियर फोरमैन या फिर जूनियर इंजीनियर है, तो आपको एक अलग क्वार्टर मिलेगा। अगर आप ऑफिसर लेवल के हो, O2 हो, या फिर और अदर पोस्टेस के, जो अगर आप इंजीनियरिंग बेसिस पे गए हो गेट क्लियर करके, तो उसके लिए आपको अलग रिक्रूटमेंट करके आपको अलग सेक्शन में रखा जाता है, आपके लिए अलग क्वार्टर रहते हैं। और जो जितने JEE हैं या फिर कोई दूसरे जो एम्प्लॉय लोग, उनके लिए अलग क्वार्टर रहते हैं, और वो बहुत सारे, मतलब एक कवर्ड कैंपस टाइप का रहता है, जिसमें आपको 2 BHK 1 BHK आपको घर मिलता है, और उसमें साथ साथ में आपको HRA जो आपको मिलता है, होम रेंट अलाउंस, वो आपको नहीं मिलता है, उसी के हिसाब से आपके सैलरी से पैसे कट जाते हैं, और आपको उसके बिहाफ में आपको रूम मिलता है। दोस्तों ये कमेंट का आपका जवाब था। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि ONGC, आपने इतना बड़ा नाम सुना हुआ है, तो इसमें सैलरी पैकेज क्या रहता है। सो दोस्तों, जो डिप्लोमा बेसिस पे अगर आप जाते हो, ज्वाइन करते हो, आप JEE की पोस्ट पे जाओगे, अगर आप ITI बेसिस पे जाते हो, तो आप जूनियर चार्जमैन के पोस्ट पे जाओगे। तो जो जूनियर चार्जमैन की पोस्ट को अगर देखा जाए, तो जो न्यू पे कमीशन के बाद जो सैलरी हुई है, वो हुई 29 से लेके 29 बेसिक रहेगा, और 29 से रहेगा 62 तक आपका सैलरी रहेगा। तो मीन्स इन हैंड आपकी सैलरी लगभग आएगी 55,000 से 60,000 आपकी सैलरी इन हैंड आएगी, अगर आप ITI जूनियर फोरमैन या जूनियर चार्जमैन के पोस्ट पे आप लोग जाते हो। तो अगर डिप्लोमा बेसिस पे जाते हो, तो उसका बेसिक अलग है, उसका 31,000 से 91,000 का बेसिक, जो कि आपकी इन हैंड सैलरी पहुँचती है 70,000 रुपीज़। और इसमें बहुत सारे अलाउंसेस भी, HRA हो गया आपका, हर चीज़ का पैसा देती है, और साथ साथ आपको बहुत सारे ग्लव्स, रेनकोट, जूते, चप्पल, सेफ्टी शूज़, हर चीज़ आपको अलाउंस इस कंपनी में मिल जाता है। ओके, और अगर हम बात करें हम इंजीनियरिंग वाले की, जो पोस्ट होती है इंजीनियरिंग में, जो निकलती है पोस्ट, वो किस ब्रांच में निकलती है और कितनी सैलरी मिलती है। ब्रांच तो बहुत सारी ब्रांचेज है, बहुत बड़ा है ONGC, इसमें बहुत सारी वैकेंसीज निकलती हैं। नॉर्मली क्या होता है, कमेंट आते हैं कि यार भैया मेट्रोलॉजी से होगा कि नहीं होगा, केमिकल से होगा, मतलब आप बता सकते हैं। हाँ, इसे एडवांस पर्टिकुलर ब्रांच, अगर आपको मेट्रोलॉजी या एडवांस मटेरियल में जाना है, तो उसके लिए आपके लिए अलग से पोस्ट आती है, वो है R&D सेक्शन। R&D सेक्शन में बहुत सारी टाइप की रिसर्च का काम होता है, ONGC का ही पार्ट है ये, ONGC R&D करके, उसमें वैकेंसीज निकलती है। उसमें मेट्रोलॉजी वाले हो गए और जितने रिसर्च वाले हो गए, सारे काम इसमें होते हैं। अगर किसी ने केमिकल डिप्लोमा किया, किसी ने इंजीनियरिंग केमिकल किया हुआ है, या किसी ने ITI प्रोसेस, ITI इन केमिकल प्रोसेस में किया, तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट जरूर करिएगा, और कुछ कमेंट और सुझाव हो तो ज़रूर दीजिएगा नीचे, है ना, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे ही वीडियो कंसेप्ट लेके आते रहेंगे, मिलेंगे आपको नए वीडियो नए कंसेप्ट साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।